देश की तरह सोलन जिला में भी बकर ईद का पर्व आपसी भाईचारे, प्रेम और एकता के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय शोक के चलते मस्जिद में किसी भी तरह की सजावट नहीं की गई। मुस्लिम भाइयों ने भी राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए केवल धार्मिक रीति रिवाज को निभाते हुए नमाज अदा की। सुबह से ही सोलन की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने मिलकर नमाज अदा की। जिला में स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद पर गले लगकर एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर बाजार में भी खासी रौनक देखने को मिली। जामा मस्जिद सोलन के इमाम मौलाना मोहम्मद यूनिस ने सभी को ईद की मुबारक देते हुए कहा कि राष्ट्रीय शोक के चलते सोलन की मस्जिद में सादगी के साथ नमाज अदा की गई और इस बार मस्जिद की सजावट और सभी तरह के विशेष कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी ने इस मौके पर देश और प्रदेश की सलामती, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। आज जामा मस्जिद सोलन में शहर और सराउंडिंग एरिया के लगभग 2,500 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज के मौके पर तमाम देशवासियों को हमने ईद की मुबारकबाद दी। इस बार बतौर खास बताने वाली बात यह है कि चूंकि भारत सरकार ने वाजपेयी जी के इंतकाल पर शोक सप्ताह चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, भारत सरकार ने एक हफ्ते का मातम ऐलान किया है, इसलिए जामा मस्जिद सोलन मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है कि इस बार वाजपेयी जी के सम्मान में जामा मस्जिद सोलन के अंदर जो हर साल डेकोरेशन, सजावट और ईद के मौके पर बतौर खास प्रोग्राम होते थे, उन सबको कैंसिल कर दिया गया है वाजपेयी जी के सम्मान में। इस मौके पर देश की सलामती के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, तरक्की के लिए, समाज के लोगों के दरमियान आपसी भाईचारे की मजबूती के लिए जामा मस्जिद सोलन के अंदर दुआ की गई और एक बार फिर मैं आप पूरे देशवासियों को सादगी के साथ ईद मनाने की अपील करता हूँ।